लाश को लाने के लिए योजना है, इन जिंदा मजदूर आकर झारखंड में काम करे इसके लिए कोई योजना नहीं। हरियाणा में पेंशन 3000 दिया जाता है, झारखंड में 1000, जो कि भारत का सबसे अमीर राज्य है झारखंड। कौन सा पेंशन की बात कर रहे हैं आप? वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। क्या सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षा सेम हो सकता है? कभी वो नहीं चाहेगा कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था बढ़िया। स्कॉलरशिप गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है, ये ब्लॉक का भ्रष्टाचार के कारण। ब्लॉक में काफी भ्रष्टाचार है, सिस्टम में भ्रष्टाचार है। क्यों वोट देगी जनता आपको? शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही नीचे है। धनबाद का दशा और दिशा बदलने का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? झारखंड का दशा और दिशा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। हम धनबाद लोकसभा के अंदर जो धनबाद विधानसभा पड़ता है वहाँ ढांगी में है, और हमारे साथ जो है जो पर्चे का मोहताज नहीं है, JBKSS प्रवक्ता, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। काहे कि चुनावी माहौल है और ये हमारा विधानसभा या लोकसभा का विकास तय करता है चुनाव। ये महापर्व है और देश का गौरव है। बिना रुके और बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल सोनी डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। जोहार दादा, आपको जोहार, आपके जितने व्यूअर्स हैं तमाम झारखंड वासियों को, सुशील मंडल का जोहार। धनबाद का दशा और दिशा बदलने का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, पिछले 2 वर्षों में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने लगातार आंदोलन करके झारखंड के, केवल धनबाद का ही नहीं, पूरे झारखंड का दशा और दिशा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। और उसी क्रम में आज हम चुनावी जो महापर्व है उसमें भाग लिए हैं, और हमारा पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM में, और हम एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। चाहे धनबाद हो, चाहे गिरिडीह हो, तमाम 8 लोकसभा प्रत्याशी जो हमने दिया है, लगभग सभी जगह से हमारा जीत सुनिश्चित है। और लोग आपको वोट दें, 3 कारण बताइए, क्यों वोट देगी जनता आपको? देखिए, 3 कारण क्या, हमारे पास इस तरह के 3000 कारण हैं। देखिए, पिछले 23 वर्षों में झारखंड को किस तरह से शोषित किया गया है। सबसे पहले आप देखिए, शिक्षा का जो स्तर है हमारे झारखंड में, शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही नीचे है। आज कोई बच्चा अगर 10th पास होता है, कोई बच्चा अगर 12th पास करता है, उसका आगे की पढ़ाई उसकी क्या होगी, पूरी तरह अंधकार। अब आगे की पढ़ाई के लिए सरकार स्कॉलरशिप देती है, लेकिन स्कॉलरशिप गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है, ये ब्लॉक का भ्रष्टाचार के कारण, जो जाति आवासीय समय पर डिलीवर नहीं करता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक है ही मुद्दा कि ब्लॉक में काफी भ्रष्टाचार है, सिस्टम में भ्रष्टाचार है, और सिस्टम में भ्रष्टाचार को खत्म हमारे कैसे होगा? और देखिए, जैसे ही आपके जनप्रतिनिधि जैसे सशक्त रहेंगे तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद खत्म होगा, चाहे अधिकारी हो चाहे ब्लॉक के पदाधिकारी। लेकिन सबसे पहला है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में जहाँ प्रॉब्लम है, आप देखिए स्कूलों में क्या व्यवस्था है पढ़ाई की। आज छत टूटे हुए हैं, लगभग 30 बच्चों पर एक, 25 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, आज 70 से 75 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो क्या सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षा सेम हो सकता है, जैसे केजरीवाल पैटर्न पे जो है दिल्ली का? बिल्कुल हो सकता है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, शिक्षा का स्तर उठाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो झारखंड के जो वर्तमान में जितने सांसद हो चाहे विधायक हो, देखिए सबसे पहले उन लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल के रखा है। तो जब तक आपका जनप्रतिनिधि प्राइवेट स्कूल चलाएगा, कभी वो नहीं चाहेगा कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था बढ़िया हो। जाति धर्म के नाम पे वोट लेना बहुत आसान होता है, लेकिन विकास के नाम पर जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। आपका क्या मैनिफेस्टो, जब जाति समीकरण से जीत रहे हैं या विकास का नाम से जीत रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो हमारा सबसे पहले यही रहेगा, हर पार्टी करती है जाति समीकरण, न हिंदू न मुसलमान, सारे झारखंडी एक समान, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में खतियान लेकर हम झारखंड को नई दिशा देने के लिए निकले हैं। आज हम पलायन के, आज देखिए हर धनबाद लोकसभा जो है पलायन और प्रदूषण की मार झेल रही है। पलायन पलायन पलायन, हर पार्टी का जो चुनावी दौर चलता है उसमें पलायन की बात हर पार्टी करता है। इन पलायन का अंग्रेजी अर्थ होता है माइग्रेशन, और हम अगर मॉडर्न माइग्रेशन की बात करें, मॉडर्न माइग्रेशन इन द सेंस की आधुनिक पलायन, आधुनिक पलायन को आप समझिए कि आज कोई अगर बीमार पड़ता है, आज देखिए यही सिंदरी के हमारे इंद्रजीत महतो जी बीमार है, लगभग 2 साल से वो दूसरे राज्य में इलाज करवा रहे हैं। कारण क्या है? यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये क्या हुआ, आधुनिक पलायन? आज कोई गरीब यहाँ से 6 महीना के लिए जाके दूसरे राज्य में इलाज करवा रहा हो, क्या आधुनिक पलायन? आज हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, रोजगार तो छोड़ दीजिए, ग्रहण करने के लिए अच्छी संस्थाएं नहीं है, और वो जाकर हम दूसरे राज्यों में जाकर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक आधुनिक पलायन है। तो आधुनिक पलायन की कोई बात नहीं करता, मजदूर के पलायन को तो छोड़ ही दीजिए। आज हमारे पास लाश अगर मर जाता है दादा, कोई लाश अगर दूसरे राज्य में मर जाता है तो उसको लाने के लिए हमारे पास कफन का व्यवस्था है, लाश को लाने के लिए योजना है, इन जिंदा मजदूर आकर
झारखंड में काम करे इसके लिए कोई योजना नहीं। एक अंतिम सवाल, हरियाणा में पेंशन 3,000 दिया जाता है, झारखंड में 1,000, जो कि भारत का सबसे अमीर राज्य है झारखंड, फिर काहे नहीं पेंशन 5,000 दिया जाता है यहाँ? ये सबसे पहले 1,000 के जगह 5,000 क्यों नहीं दिया जाता? सबसे कौन सा पेंशन की बात कर रहे हैं आप? वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन? सबसे पहले सबसे आप नहीं गए, 40% खनिज जब है झारखंड में, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास व्यवस्थाओं की कमी है। और जे भी कैसे सरकार में आएगी तो चाहे पलायन हो, चाहे जो खनिज संप्रदायों की, खनिज संसाधनों की जो व्यवस्था है उसका पूरी तरह से हम पेंशन की बात हमने किया, जो कि हरियाणा में 3,000 दिया जाता है और झारखंड में 1,000 दिया जाता है, जो कि झारखंड राज्य सबसे अमीर है भारत का, ये सबसे बड़ा सवाल है, काहे नहीं ज्यादा होगा? एकदम ज्यादा होगा। आज झारखंड में हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हम तो बार बार कह रहे हैं संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, केवल सही रूप से सही दिशा में काम करने की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जो कि हमारे चैनल में समय दिया। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।